खतरनाक लोकेशन लेके आ गए हैं। इस फोर्ट को कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है और आप देख सकते हैं इसकी कैसी कंडीशन है, पूरा का पूरा टूटा हुआ है। और आज हमने डिसाइड किया है कि दिन का तो हम यहाँ पे बनाएंगे, हम रुकेंगे रात में भी इस फोर्ट में। तो अभी तो मैं आपको दिन का पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा ये फोर्ट दिखता है और कैसी भूल भुलैया है, क्योंकि अभी जब हमने एंटर किया तो हमारे समझ में ही नहीं आया कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी सीन समझ में रहा है। सीढ़ियाँ बनी हुई खूब सारी, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो पहले एक बार घूम के देख लेते हैं इस फोर्ट को, थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि रात के टाइम में चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और वो समझ में नहीं आती कि कहाँ पे क्या था, कैसे, कुछ भी, कोई सिचुएशन समझ में नहीं आती कि क्या करना चाहिए। तो भाई आज रुकेंगे रात में। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था एक रात का फोर्ट का हॉन्टेड लोकेशन हो, उसका वीडियो बनाऊँ, तो आज हम आ गए। EMF मीटर वगैरह सब लेके आ गए हूँ। तो अभी मैं आपको दिन का पूरा व्यू दिखा देता हूँ इस फोर्ट का। ऊपर से कुछ एरिया में कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, कुछ एरिया में पीछे आप देख सकते हैं कुछ एरिया क्लीन है, ये देखिए पूरा थोड़ा नया सा लग रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, लोग तो आए हैं, काफ़ी ग्राफिटीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं जैसे हर जगह होती है। ये देखिए व्यू कितना शानदार है यहाँ से। मैं इस वाली छत पे जाऊंगा नहीं, मुझे थोड़ी सी ये लग रही है, हल्की लग रही है, टूट सकती है, टूटने का खतरा है इसका, तो उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। और झाड़ियाँ वाड़ियाँ हर जगह उगी हुई हैं, ये देखिए कैसी भूल भुलैया है। सामने भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी एक कमरे जैसी चीज है। ये देखिए नीचे का एरिया है इसका, थोड़ा सा ध्यान से मुझे पैर रखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए नीचे का एरिया है, तो वो सामने वहाँ से हम ऊपर चढ़ के अभी आए हैं यहाँ पे इस लोकेशन पे। हो गया तो थोड़ा सा मैं इधर जाके देख लेता हूँ, अभी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम इस लोकेशन का, क्योंकि रात के टाइम पे ये बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आने वाली, मुझे ऐसा फील आ रहा है। तो अभी जो एक रूम है हमने जो मुझे दिखाई दिया था उसमें मैंने मीटर ले रही है, वो ब्यूटीफुल ये वाला एरिया तो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ऊपर देखिए इसकी कितनी बढ़िया डिज़ाइन है और पेंटिंग कितनी अच्छी बनी हुई है। हालांकि कंडीशन इस पेंटिंग की और वॉल आर्ट जो भी बना हुआ है उसका भी बहुत खराब हो गया है। ये देखिए पूरा का पूरा फोर्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए सारा ओपन एरिया है। यहाँ से दीवार थोड़ी सी टूटी हुई है तो मैं थोड़ा आगे नहीं जाऊंगा। ये देखिए व्यू पूरा। तो ये फोर्ट काफी ह्यूज है और काफी कंफ्यूजिंग भी लग रहा है भाई। अभी तक का एरिया तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन नीचे जब हम अभी ऊपर आ रहे थे तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके तो आप चलते हैं नीचे की साइड में, नीचे देखते हैं, क्योंकि नीचे घास बहुत ज़्यादा उगी हुई थी। इधर भी कुछ है। ओके यहाँ से भी एक अलग व्यू है।
फोर्ट का, और काफी जगह दीवारें टूट चुकी हैं। हालांकि मुझे लग रहा है ये रात का वीडियो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है, रात को भी पूरा एक्सप्लोर करेंगे भाई। कहानी ऐसी ही है कि जो ओपन एरिया मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पे ही कुछ एक्टिविटीज होती थी, क्योंकि वहाँ पे जो पुराने टाइम में गीत संगीत के प्रोग्राम हुआ करते थे। तो स्टोरी मैं आपको रात के वीडियो में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी आपको मैं सारी लोकेशन दिखा देता हूँ यहाँ की, तो अब चलते हैं एक बार नीचे। अब थोड़ा सा मैं आपको नीचे का व्यू दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे खतरनाक सा लग रहा था, रात के टाइम तो पता नहीं था कैसा ही लगेगा ये। और एक डॉगी हमारे सामने सामने यहाँ पे, या तो मेरे ख्याल से वो फंसा हुआ है। तो आपको मैं चमगादड़ दिखा देता हूँ एक बार सामने। ये देखिए कितने बड़े बड़े चमगादड़ लटक रहे हैं यहाँ पे, और ये डॉगी यहाँ पे है। सो काफी अंधेरा यहाँ पे नजर आ रहा है। ये रहा ये खड़ा, काफी यही से आए थे ना, कुछ ही आए कुछ देखेंगे क्या हो कुछ चलता है सर। ये डर रहा है कुछ ही है। सो हमने जहाँ से एंटर किया था वो रास्ता मैं अच्छे से याद कर रहा हूँ, क्योंकि रात में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो ये है वो रास्ता, देख सकते हैं जहाँ से हम अभी अंदर एंटर हुए हैं। क्या रह गया, हाँ चला गया। सो वो जो ऊपर से मैं एरिया दिखा रहा था वो यहाँ से भी दिखाई देता है। वो डॉगी शायद हमसे डरा हुआ है। ये देखिए गाइस रास्ते देखिए इस फोर्ट के, ये सच में भूल भुलैया है। और ये डॉगी हमसे डर रहा है, हम इससे डर रहे हैं कि हमें काट वाट ना ले। ओ भाई बहुत झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो चलना है अभी मुझे कुत्ते की तरह पूछना पड़ेगा, लेकिन निकलेंगे कहाँ। इधर से रास्ता तो नहीं है कांटे वाली, तो यहाँ से तो हम एंटर नहीं होंगे। एक बार दूसरी तरफ से देखते हैं। मुझे लग रहा है इस पे दूसरी तरफ जाने का रास्ता कहीं और से ही निकलेगा, ऊपर से या कुछ, अभी समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। देखिए झाड़ियाँ कितनी, कुछ भी नीचे नज़र नहीं आ रहा, हो सकता है सांप वांप भी हो यहाँ पे। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कैसे इन पिलर्स पे काई जमी हुई है। कुछ और भी कमरे से, कुछ और भी जगह से, वो छोटा सा है कुछ नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ रास्ता वास्ता कुछ है यहाँ से। ये एक गैलरी और दिखाई दे रही है मुझे सामने। दूसरी गैलरी जहाँ से हम अभी आए हैं। ये देखिए ये सिल पट्टे लगे हुए हैं ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हैं आप दरारें कितनी, मतलब बिल्कुल खत्म होने में ही लग रहा है मुझे। ये काफी जगह टूट फूट काफी ज्यादा है भाई, क्या है गुफाएं कोई।
और नीचे भी जा रहे हैं। ये कोई खुफिया रास्ता है। ओ गाइस, देखते हैं अंदर चल के। ये तो वही निकाल रहे हैं। कहाँ निकले? दूसरी साइड आ गए अपनी। ऑसम यार, ऑसम। मतलब क्या डिजाइन बनाई है। ये देखिए, ऐसे जैसे वो नए जमाने में ट्रैक्स नहीं बने होते, जो सीढ़ियां नहीं हो लेकिन ऐसे ही रास्ता बनाया होता है नीचे ऊपर जाने के लिए, तो उस तरह का कुछ है यहाँ पे। ये ऊपर जाने का भी रास्ता है इधर। ये क्या है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर। कहाँ पहुंच गए हम? ऊपर यहाँ तो मैं आया था अभी। अब दिखाता हूँ, देख तुझे। कौन सा फोर्ट है? आजमगढ़ है। हमने आखिर का फोर्ट दिखा है। ऊपर देख डिजाइन। एक चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। शूट, ये तो भाई भानगढ़ से भी ज्यादा है। तो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ नीचे, जो कि आपको मैंने ऊपर से दिखाया था। यहीं पे इस एरिया में ही ऐसा कहा जाता है कि एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अभी तो हम यहीं पे खड़े हैं, दिन के टाइम तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अभी ऊपर से थोड़ी सी हवा। इधर से किसी और चीज़ की आवाज़, इधर से कुछ था जैसे टिन पे मारो कुछ, टिन शेड पे। इधर से किसी चीज़ की आवाज़ आई है क्या? आपने किधर से जाना था? इधर से अपना चाहिए रास्ता ना। सो गाइस, लग तो मुझे बहुत खतरनाक सा रहा है यहाँ पे। ट्राई करते हैं रात का शूट करने का यहाँ पे। सो अभी जब मैं यहाँ पे इस जगह पे एंटर हो रहा था, तो हमें वो जो मॉनिटर लिजार्ड जिसको बोलते हैं, गो बोलते हैं हमारी भाषा में, वो मैंने यहाँ पे अंदर एंटर होते देखी है। तो भाई देखो, आत्मा वात्मा का तो पता नहीं, लेकिन जानवर यहाँ पे बहुत हैं, सांप भी हो सकते हैं। सो रात में बहुत ही रिस्की हो सकती है ये लोकेशन, ऐसा मुझे अभी से फील आ रहा है। बाकी हम मेरे ख्याल से वहाँ बिल्कुल पीछे की साइड से आए हैं, ये बिल्कुल एंड है। इसके आगे और है फोर्ट, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है, तो हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे। आपको ओपन एरिया में यहाँ पे दिखा देते हैं, यहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। देखेंगे भाई रात में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बाकी अपने टाइम में बहुत खूबसूरत रहा होगा ये फोर्ट, ऐसा लग रहा है मुझे। जो अंदर मैंने पेंटिंग्स और आपको जो वॉल आर्ट वगैरह जो भी चीज़ें दिखाई हैं, वो कितनी खूबसूरत कुछ जगह पे रह गई हैं, कुछ जगह पे नहीं हैं। सो गाइस, डे का वीडियो तो आपने देख लिया, ड्रोन के भी शॉट्स देख लिए। अब हम वेट कर रहे हैं रात का, तो रात का वीडियो मैं डालूंगा इसके बाद में, नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे लाइक्स और शेयर आप लोग करोगे, तो रात का वीडियो मैं जल्दी से जल्दी डालूंगा। तो भाई अब आपका काम बचा है, आपको डालने हैं बढ़िया बढ़िया कमेंट्स और लाइक करना है, वीडियो को लाइक करवाना है, शेयर करवाना है।
जो नया एक छोटू सा ड्रोन हम लेके आए उसके शॉट्स आपको कैसे लगे वो भी जरूर कमेंट करके बताना। बाकी भाई अब मिलते हैं रात को, रात का वीडियो याद रखना, तब मैं जल्दी से जल्दी डालूंगा जब ये वीडियो होगा टॉप पे। ओके गाइज, मिलते हैं रात को।